बच्चों नमस्कार। नमस्कार सर। मैं संदीप सर आज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम कक्षा पांचवी की जो परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है झरोखा, उसका नौवां लेसन, नौवां पाठ है जो मोरनी के जंगल। आज हम उसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हम वन संपदा या जंगलों को हम सुरक्षित रखें और पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये आज हम करें। क्या आप कभी किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर करने गए हो? जी सर। जी सर, हम पिपली चिड़ियाघर देखने गए थे। बच्चों ये पिपली का चिड़ियाघर है। बहुत अच्छे। क्या आप बता सकते हैं वहाँ आपने कौन कौन से पशु या पक्षी देखे थे? वहाँ हमने तोता, मैना, बत्तख, नीलगाय और मैना देखे। बच्चों आज हम एक ऐसे ही वन्य प्राणी अभयारण्य या वन्य जो हरियाणा के भ्रमण स्थल हैं वनों से लेकर उनके बारे में जानेंगे। और ऐसा ही एक स्थान है मोरनी की पहाड़ियाँ, जिन्हें मोरनी हिल्स भी कहा जाता है। और ये हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित है, जिसे आप मानचित्र में जो आप मानचित्र देख पा रहे हैं उसके अंदर ये जो जगह है वो पंचकूला है। इस पहाड़ी का जो नाम है वो मोरनी महारानी के नाम पर रखा गया है, जो पहले यहाँ राज करती थी, शासन करती थी, उनके नाम से ही क्या है इस जो पहाड़ी का नाम है वो मोरनी रखा गया है। यहाँ की जो चारों तरफ की सुंदरता है, जो हरियाली है वो बहुत ही मनोरम है। यहाँ इन पहाड़ियों के बीच बहुत ही सुंदर ठंडी ठंडी शीतल हवा जो बहती है वो बहुत सुहावनी लगती है। इसी के साथ मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो चीड़ के वनों से, चीड़ के लंबे लंबे वनों पेड़ों से जो है घिरी हुई है। जब इन पेड़ों के बीच से हवा की आवाज़ गुजरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ एक अलग ही दुनिया है। तो प्यारे बच्चों पहाड़ी के दोनों तरफ झील हैं और यहाँ के लोग इन झीलों को बहुत शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। गार्ड की सहायता से अगर हम गार्ड को वहाँ से लेकर चलें तो हम वन के इन क्षेत्रों की जो है वो सैर कर सकते हैं, और उनकी सहायता से हम वन में उगे हुए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं, जैसे अमलतास, आंवला और अंजीर, गुलमोहर, सहजना। इन पेड़ों को हम वहाँ आसानी से देख पाएंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ जो है पेड़ों के विभिन्न पक्षियों की जो है आवाज़ें वो सुनाई देती हैं, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर जाते रहते हैं। और यहाँ पर बंदरों के झुंडों को भी सामान्य रूप से देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों क्या आप ये बता सकते हैं क्या हमारे आसपास भी उतने ही संख्या में पक्षी और जीव जंतु देख सकते हैं? जी नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? सर हमारे पास ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए हम पशु पक्षियों को देख नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा बेटे आपने, क्योंकि हमारे आसपास जो है पेड़ पौधों की जो संख्या है वो कम होने के कारण जो है पशु पक्षियों की संख्या भी क्या है कम हो गई है। तो ये इसका कारण रहता है। अगर हम वहाँ गार्ड के साथ वनों में घूमने जाते हैं तो भ्रमण के दौरान आप मोरनी हिल्स पर जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर आप देख सकते हो, जैसे नील गाय, लंगूर, चमगादड़, ये सारे जानवर, हिरण और बंदरों के झुंड आप वहाँ पे देख सकते हो। कभी कभी वहाँ पर जो है तेंदुए भी दिखाई दे जाते हैं। जैसे आप यहाँ तेंदुओं की संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, परंतु अब यहाँ सड़कें और पार्क बनाने के कारण जो है वो जंगल कम होते चले जा रहे हैं, जिस कारण जो है तेंदुए भोजन की तलाश में कई बार जंगल से बाहर भी आ जाते हैं और वो कई बार मारे भी जाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आपने भी कभी कुछ जानवरों को अपने घर के आसपास देखा है? सर हमारे घर के पास बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो हमारे घर पर क्यों आ जाते हैं? सर क्योंकि जंगल खत्म हो रहे हैं। बच्चों सोचो और बताओ कि यदि जंगल कम हो जाए या खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सर फिर जंगली जानवर कहाँ रहे?
तो उनका घर है। बिल्कुल ठीक कहा बेटे, हम अपनी जरूरतों के लिए जंगली जीव जंतुओं के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। जो हमारी धरती है, पूरी धरती का एक तिहाई जो हिस्सा है वो जंगल का होना चाहिए, जो आज के समय में बहुत ही कम है। और इसका एक बहुत जंगलों का हमें जरूरत है कि हम अपने जंगलों को संरक्षित करें, उनको सुरक्षित करें, जिससे जंगली जानवरों को बचाया जा सके। आज इसी के आधार पर मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक बार जोधपुर के राजा को अपने महल में लकड़ियों की जरूरत थी, जिसके लिए राजा के आदमी खेजड़ी के पेड़ों की लकड़ियां काटना चाहते थे, परंतु वहां रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के लोग खेजड़ी के जो पेड़ हैं उनको पूज्य मानते थे और उनकी पूजा करते थे। आदमियों ने पेड़ काटने से रोकना चाहते थे। अब जो वहां के रहने वाले लोग थे वो चाहते थे कि राजा किसी दूसरी लकड़ियों का इसके लिए प्रयोग कर सके, परंतु जो राजा के आदमी थे उन्होंने वो नहीं माने और उन्होंने राजा के आदेश के सामने उन्होंने कहा कि पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। परंतु उसी गांव में अमृता देवी नाम की एक महिला जो थी वो रहती थी, और उसने लोगों से कहा कि आओ हम सब क्या करते हैं, इन पेड़ों से चिपक जाते हैं और फिर वो इन पेड़ों को नहीं काटेंगे। परंतु उन जो राजा के सैनिक थे, जो राजा के लोग थे, उन्होंने उस समय उन पेड़ों के साथ, राजा के आदेश के सामने उन पेड़ों के साथ उन लोगों को भी काट दिया। और उस समय पेड़ों की रक्षा करते हुए सैकड़ों की संख्या में जो थे लोग उस समय मारे गए थे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी कहानी थी जोधपुर की, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार लोगों ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए अपने जीवन और अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ों से क्यों चिपक गए? वो पेड़ों से प्यार करते थे क्योंकि वो पेड़ों की पूजा करते थे। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और हम अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं जो हैं पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पुराने समय से ही जो है जंगलों को बचाने और उनको संरक्षित रखने, सुरक्षित रखने के लिए रहे। तो आज भी जो हमारी सरकारें हैं वो अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है, जिसके लिए सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं और जिसके तहत वनों को संरक्षित किया गया है। क्या आप जानते हो कि वनों को संरक्षण या संरक्षित करना क्या होता है और ये क्यों जरूरी है? सर, वनों को बचाना। बिल्कुल बच्चों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वन समुदाय, जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं और मनुष्य लकड़ियों के लिए इमारतें बनाने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए और पार्क बनाने के लिए, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनको काट रहे हैं, जिससे हमारे वन संपदा और जंगली जानवर जो हैं वो क्या है, उनके लिए ये हानिकारक सिद्ध हो रहा है, उनके लिए नुकसान इन पेड़ को काटने से हो रहा है। तो सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंदर बनाया, 1972 के अंदर सरकार ने निश्चय लिया कि वनों को और जीवों के लिए संरक्षित करना या सुरक्षित करना, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो वन है उनको सुरक्षित कर दिया गया या संरक्षित कर दिया गया और कुछ चीजों पर रोक लगाई गई, जैसे कि जो वन्य जीव विहार है जो पशुओं के लिए है वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, दूसरा किसी भी जीव जंतु को वहां तंग नहीं किया जा सकता, वहां पर लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पशुओं को चराना वहां निषेध कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और वहां से घास निकालना और जीव जंतुओं को तंग करना और खाने पीने का सामान डालना, इन चीजों पर ऐसे क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि जो जंगली जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं वो सुरक्षित रह सके। तो उसी के दौरान एक कानूनी प्रावधान भी किया गया जिसके साथ अगर आप इनका उल्लंघन करते हो
तो हाँ, ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया कि उसको 7 वर्ष तक सजा दी जा सकती है। हरियाणा सरकार द्वारा भी अनेक वन्य प्राणी विहारों को जो था वो संरक्षित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि जीव जंतुओं के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने जो पर्यटन स्थल हैं जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं उनके नाम विभिन्न पक्षियों के नाम पर रखे हैं, तो उसी में जो सबसे प्रमुख नाम आता है सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो गुड़गांव के अंदर है और जहां विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। उसके बाद है गोरैया, जो एक पर्यटन स्थल है बहादुरगढ़ में। एक है मैगपाई, जो फरीदाबाद में। आप जो सूची देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप जो स्क्रीन पर ये सूची देख पा रहे हैं, ये हरियाणा के संरक्षित स्थान हैं। तो इसके अंदर यहाँ सबसे पहले वन्य प्राणी विहार का नाम दिया गया है। उसके बाद जो दूसरी रो है आपकी, उसके अंदर ये दिखाया गया है कि वो किस जिले में स्थित है, और इसके बाद ये दिखाया गया है वहाँ कौन कौन से जीव जंतु या पशु पक्षी पाए जाते हैं। हम हरियाणा के जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये वन विभाग का लोगो है या चिन्ह है, जिसके ऊपर आप देख पा रहे हैं लिखा है वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। तो ये हमारे वन विभाग का मोटो भी है कि हम वृक्षों की रक्षा करें। अब हम हरियाणा के कुछ संरक्षित क्षेत्रों या वन्य प्राणी विहारों के बारे में जानेंगे। भिंडवास वन्य प्राणी विहार, यह झज्जर जिले में स्थित है। यहाँ बतखें, बुगले तथा पानी के अन्य पक्षी देखे जा सकते हैं। इसे भिंडवास पक्षी विहार भी कहा जाता है। नाहड़ वन्य प्राणी विहार, यह रेवाड़ी जिले में स्थित है। यहाँ काला हिरण, नील गाय आदि जानवरों को देख सकते हैं, जो यहाँ प्रमुखता से दिखाई देते हैं। चीड़ वन्य प्राणी विहार, यह पंचकुला जिले में स्थित है। यहाँ अन्य जानवरों के साथ इसे जंगली सूअरों और जंगली मुर्गों के लिए संरक्षित किया गया है। किलकिला वन्य प्राणी विहार, यह कैथल जिले में स्थित है। यहाँ बतखें, बगुले तथा पानी के अन्य पक्षी पाए जाते हैं, और इसके नज़दीक एक सुंदर पार्क भी है। अबूब शहर वन्य प्राणी विहार, यह सिरसा जिले में स्थित है। यहाँ काला हिरण व मोर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, और ये बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। बच्चों, ये थे हरियाणा के कुछ संरक्षित वन्य प्राणी विहार। इसके साथ ही हरियाणा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जिसमें से एक कालेसर है। कालेसर यमुनानगर जिले में स्थित है, जिसमें तेंदुए, भालू, सांभर, गोरल को और जंगली सुअरों के लिए जिसे संरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है। और दूसरा है सुल्तानपुर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो गुड़गांव में स्थित है। यहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय पक्षी हैं उसी के साथ प्रवासी जो विदेशों से पक्षी आते हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ बत्तख, बुगले और पानी में रहने वाले अन्य पक्षियों को भी आप देख सकते हैं। ये पर्यटन का एक बहुत ही सुंदर स्थान है, तो प्यारे बच्चों यहाँ घूम के आ सकते हैं। बच्चों, हमारे धरती पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु हैं जिन्हें जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन जो है वो स्वयं तैयार करते हैं, और जंतु जो हैं वो पेड़ पौधों से अपना भोजन खाते हैं। इसी प्रकार कुछ जंतु एक दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी को एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार एक जंतु दूसरे जंतु को खाता है, जिसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चों, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें कुछ घास के पौधे
कुछ छोटे पौधे और कुछ शाकीय पौधे जैसे सब्जियों के पौधे आप देख पा रहे हैं। सभी पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, जड़ों द्वारा और मिट्टी से पानी व खनिज लवण लेकर हरी पत्तियों से अपना भोजन सभी पौधे स्वयं तैयार करते हैं। और कुछ जीव या कीट अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, चूहा, टिड्डा या भेड़। ये सभी कुछ ऐसे जंतु हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव अपने भोजन के लिए छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं और उन्हें खाते हैं, जैसे बिल्ली, लोमड़ी, सांप और मेंढक। ये सभी दूसरे छोटे कीटों को खाते हैं। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं और अन्य सभी जीवों को खाते हैं। इन्हें ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे बाज, गिद्ध, शेर और बाघ। अब हम इसे एक क्रम या श्रृंखला में बनाते हैं और समझते हैं। यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं, जैसे बाज की, घास, मेंढक, टिड्डा और सांप। तो इसमें इस चित्र को आप ध्यान से देखें और सोचें कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा। बिल्कुल सही, सबसे पहले हम घास को रखेंगे, क्योंकि घास अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से स्वयं बनाता है। बहुत अच्छे बच्चों, इनमें से कौन सा जीव या कीट घास खाता है, सोचें। बिल्कुल सही बच्चों, टिड्डा जो है वो घास की पत्तियां खाता है, तो इसमें हम इसे दूसरे स्थान पर रखेंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जीव टिड्डों को खाता है? आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, टिड्डों को मेंढक खाते हैं, तो हम इसके बाद मेंढक को रखेंगे। बच्चों अब जरा सोचें कि मेंढक किसका भोजन है, इनमें से मेंढक को कौन खाता है? बिल्कुल सही बच्चों, सांप का भोजन जो है वो मेंढक है, तो हम इसे नीचे वाली लाइन में लगा देंगे। बच्चों इस चित्र में हमारे पास सांप और बाज बचते हैं, जिसमें से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाज सांप को खाता है, तो आप देख सकते हैं चित्र में, तो हम इसे अंत में रखेंगे। बच्चों विभिन्न जीव जंतुओं के एक दूसरे को खाने और खाए जाने की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला का पूरा होना प्रकृति में संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। इसे खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। आए कुछ और खाद्य श्रृंखलाएं हम देखें। बच्चों आप भी अपने आसपास के जीवों के माध्यम से अपनी कुछ आहार श्रृंखलाएं तैयार करें। बच्चों यदि इस आहार श्रृंखला में से सांप को निकाल दिया जाए तो किस जीव की संख्या बढ़ जाएगी? अगर सांप को निकाल दिया जाए तो मेंढकों की संख्या बढ़ जाएगी। बच्चों क्या आप बता सकते हो कि वनों को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। सर हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सर हमारे स्कूल में हर साल पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाए जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, वन और पर्यावरण जीव जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, और
उनके संरक्षण एवं पौधारोपण, जो पौधे हम लगाते हैं, प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम बहुत सारे दिवस मनाते हैं। जिस प्रकार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो हम सभी अपने अपने विद्यालयों में, स्कूलों में मनाते हैं और पौधे लगाते हैं। इसी के साथ 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन दिनों को आप देखेंगे विद्यालयों में हम रैलियां निकालकर, पौधे बांटकर या विद्यालय में पौधे लगाकर इनको मनाते हैं। तो इसी कड़ी में लोगों को पौधे लगाने के लिए हम जागरूक भी करते हैं कि वो अपने आसपास जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो प्यारे बच्चों, आओ आज हम सब मिलकर भी एक पेड़ इसी उसमें कड़ी में अपने अपने विद्यालय में लगाते हैं और प्यारे बच्चों, आप सभी भी अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं। तो इसी के साथ जो हमारा ये था मोरनी हिल्स या मोरनी के पहाड़ या जंगल की हम जो सैर करने जा रहे थे वो पूरा होता है और आओ चले हम सब मिलकर जो है एक पेड़ अपने स्कूल में आज इसी कड़ी में लगाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं। Thank you.